हमारी क्लियर। हाँ सर आ रही है क्लियर आवाज। चलो ठीक है। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, उसमें न केवल भाग लिया बल्कि एक तरह से पूरे मूवमेंट को या फिर पूरे संग्राम को हरियाणा में भी और हरियाणा से बाहर भी उसको दिशा निर्देश दिया। तो उसके ऊपर आज हम एक नेशनल सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। राव तुलाराम जी, उनके बारे में ज्यादा बातें हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं उनके ऊपर छोड़ते हुए मैं आज हमारे महाविद्यालय की तरफ से हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष प्राचार्य महोदय जी श्री राजकुमार वर्मा के निर्देशन के तहत आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता हमारे बीच जुड़ चुके हैं सोनू यादव जी, और कुछ बातें मैं सोनू यादव के बारे में बताना चाहूँगा या फिर एक तरह से उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि किस प्रकार से वो गदने की इस कार्यक्रम के लिए सबसे उपयुक्त मुझे लगे। सोनू यादव जी, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन रोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ से इनकी एमए है और उसके बाद फिर सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज जेएनयू वहाँ से इनकी एमपिल है जिसमें शोध का विषय इनका हरियाणा में जो दलित आंदोलन रहा है और स्वतंत्र संग्राम उसके ऊपर इनका उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक तरह से रिसर्च किया है और इसके साथ साथ वर्तमान में ये पीएचडी कर रहे हैं और लगभग 1900 से लेकर 1950 के बीच एक तरह से जो रिहेबिलिटेशन था जो ब्लाइंड्स थे उनके बारे में इनका रिसर्च है। बहुत ही उगदने की प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं आज के हमारे मुख्य वक्ता। और मैं इनका पड़ोसी होता था हॉस्टल में जेएनयू में, तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं थी चाहे वो कंप्यूटर की थी या फिर कुछ और, उनको ये कहते हैं पलक झपकते ही ये सॉल्व कर देते थे। खासकर टेक्निकल माइंड बहुत ज़्यादा इनका साथ एक तरह से जो गदने की आंखों से देखने वाले जो होते हैं वो नहीं देख पाते हैं, मगर ये उनको हमेशा एक तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं श्री सोनू यादव जी आज जो आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इस आमंत्रण पे जो एक तरह से छोटा सा आमंत्रण था जो अभी कल ही हमने इनसे बात की थी, तो उसके बारे में एक तरह से मेरी गुजारिश रहेगी सोनू जी से कि वो राव तुलाराम जी के जो एक तरह से जो फ्रीडम मूवमेंट में जो उनका योगदान रहा था उसके ऊपर अपना प्रकाश डालें और हम सभी को ज्ञान से लाभान्वित करने का कष्ट करें। हाँ जी सोनू जी कंटिन्यू करो। चलिए ठीक है सर, कंटिन्यू करें। ओके ठीक है ठीक है, कैमरे में आप लोग देख पा रहे होंगे ना? ठीक है तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके सो फ्रेंड्स कोलीग्स एंड प्रिंसिपल सर और
बिरोहर यूनिवर्सिटी जज्जर के मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा एंड फ्रेंड्स एंड बिलव्ड स्टूडेंट्स. तो हम लोग आज राव तुलाराम जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें. मुझे लगता है उसमें इंटरेस्टिंग है. ओके, तो काफी इंसाइटिंग एंड बहुत ज्यादा काफी एक सो वी विल एंगेज इन इंसाइटिंग डिस्कशन अबाउट द राव तुलाराम. और कुछ चीजें उनके बारे में सबको मालूम है, उनकी पर्सनल लाइफ और उस सब के बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. बट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे उनके बारे में कि हमें किन एस्पेक्ट्स को लेकर राव तुलाराम जी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है और किन चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, किस तरह से एज ए रिसर्चर्स उसके विषय में आगे बढ़ा जा सकता है. ओके, सो राव तुलाराम जी के को रिसेंटली काफी इंपोर्टेंस मिला है. बट एज ए रीजनल फ्रीडम फाइटर हम उनको जानते हैं हरियाणा में काफी, ही इज वेल नोन. बट उस तरह से हम उनको नहीं जानते हैं जिस तरह से हम और 1857 के फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, जैसे कि रानी की झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इन सब के बारे में हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, काफी हम लोग पढ़ते हैं. मगर राव तुलाराम जी के बारे में उस तरह से शायद मुझे ऐसा लगता है टेक्स्ट बुक पे इतना ज्यादा नहीं फोकस किया जाता. या ये मैं कहूंगा कि अंडर रिसर्च एरिया है, इसमें और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है. तो अगर हम राव तुलाराम जी की फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उनके जो पूर्वज थे वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो परगना है वहां पे उस टाइम पे मुगलों के समय में उन्हें जागीर के रूप में दिया गया था मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा. और उस जागीर से जो सालाना इनकम होती थी वो ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए प्रति वर्ष होती थी, काफी बड़ी अमाउंट होती थी उस टाइम पे. और उनके दादाजी तेज सिंह जिन्होंने 1803 के युद्ध में मराठा एंग्लो और जो मराठा युद्ध था मराठाओं का साथ दिया अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के. और क्योंकि अंग्रेजों की जिस तरह की पॉलिसी थी उस तरह से क्योंकि उन्होंने मराठाओं का साथ दिया था तो उनकी जो जागीर थी तेज सिंह जी की जो कि राव तुलाराम जी के दादा थे उनकी जागीर को जब्त कर लिया गया और उसके स्थान पर उनको एक परमानेंट लीज पर लैंड दे दी गई जिससे कि एनुअल जो इनकी इनकम होती थी वो 1 लाख रुपए हो गई. अब हम लोग सोच सकते हैं कि जिस जागीरदार की जो इनकम है वो 20 लाख से घटके 1 लाख रुपए आ गई हो, 1803 की बात है, तो उस के मन में या उन उस जागीरदार के मन में अंग्रेजों के प्रति क्या फीलिंग रही होगी. और उसके बाद में राव तुलाराम जी का जन्म हुआ 1925 में. उनके पिताजी पूरण सिंह जी थे और माता जी का नाम ज्ञान कुंवर था. ठीक है, तो अब राव तुलाराम जी सिर्फ 14 साल के थे, उनके पिता जी का स्वर्गवास हो गया 1838 में ऑलमोस्ट. तो अब उतनी एक कम उम्र में उनके कंधों पर एक जो जिम्मेवारी आ गई कि अपने प्रशासन की. ठीक है, तो अब हम एक अभी हम जब बात करेंगे 1857 के बारे में तब हम जानेंगे किस प्रकार से वो कुशल
नेतृत्वकर्ता थे, प्रशासक थे, स्ट्रेटेजिस्ट थे, स्टेट्समैन थे, डिप्लोमेट थे, किस तरह से उन्होंने कार्य संपन्न किए, तो वो एक उसके विषय में हम जानेंगे ओके एंड कि किस प्रकार से उन्होंने 1857 के विद्रोह में बजाय इसके कि एक छोटे से जागीरदार होने की के बावजूद इतना एक जो बड़ा रोल प्ले किया 1857 में, जो कि अंग्रेजों ने इनको एक रिड्यूस कर दिया था क्योंकि जो जागीर थी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, जैसे कि अंग्रेजों की जो पॉलिसी है इसको हमें उस सेंस में देखना चाहिए जो जनरल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की अगेंस्ट द प्रिंसली स्टेट्स मोस्टली, कि जो अगर उनके जो पॉलिसीज थी और उनकी नीतियां थी उनको उनके प्रति अगर सहमति व्यक्त करेंगे तो उनकी जो जागीर है वो उन्हें वापस दे दी जाती थी, मान्यता प्रदान कर दी जाती थी, और अन्यथा उनका जो प्रिंसली स्टेट था वो उस पर कब्जा कर लिया जाता था, जैसे कि सभी प्रिंसली स्टेट्स के जनरली होता था। तो उस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए इस चीज को ओके एंड अब 1857 की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल इन्होंने प्ले किया। एक इनका स्टेटमेंट था 11 मई 1857 को, जब 1857 का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसको विभिन्न जो इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है उसमें ना जाते हुए हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछने की हाउ एंड व्हाई रेदर देन व्हेन और वेयर, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए हिस्टोरियन कि हम कोशिश करेंगे किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई और उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इफ्स एंड बट्स पे हम नहीं जाएंगे कि ऐसा होता तो अगर तो क्या हुआ होता वो सब, क्योंकि एज ए हिस्टोरियन काम नहीं है हिस्टोरियन का सिर्फ काम इतना है कि हाँ पास्ट में क्या हुआ और उसको इंटरप्रिटेशन राइट इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है ओके। तो उन्होंने 1857 को 11 मई को एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने एक खत लिखा मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जी को उन्होंने खत लिखा जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की कि मुझे खुशी है कि अंग्रेजों के खिलाफ एक म्यूटनी एक विद्रोह पनपा है और मैं इस दिन का वर्षों से इंतजार कर रहा था, और उन्होंने अंग्रेजों के विषय में और भी चीज़ें लिखी कि किस तरह से उन्होंने उसको उनको एक उनकी जो जागीर है वो जब्त कर ली और उन्होंने बड़ी खुशी प्रसन्नता जाहिर की और मुगल सम्राट को अपना सुप्रीम लीडर माना उन्होंने जो 1857 में 11 मई को एक जो लेटर लिखा है। तो सिमिलर टू जो और रीजनल लीडर्स थे उन्होंने मुगल सम्राट को एक डिफेक्टो लीडर माना अपना, तो उन्होंने भी एक तरह से उन्होंने अपनी एक उनके प्रति आस्था प्रदर्शित की, और ठीक है यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 17 मई को जो रेवाड़ी सब तहसील था वहां से जो वहां की जो तहसील थी वहां से जो सारे ऑफिशियल्स थे तहसीलदार और जितने भी ऑफिशियल्स थे जो कि सिंबल ऑफ पावर कह सकते हैं जो तहसील है वहां से उन्होंने उनको डिपोज कर दिया, उन्होंने उनको पदच्युत कर दिया, हटा दिया सत्ता से उनको और कब्जा कर लिया रेवाड़ी तहसील पर, और इंक्लूडिंग शाहजहानाबाद और ऑलमोस्ट 500-600 गांव को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया और एक तरह से एबल्ड एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उन्होंने वहां पर राज्य किया, टैक्स लगाए, कर वसूल किए, लोन लिए और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने में एक विद्रोह को ऑर्गेनाइज करने में बड़ी ऑर्गेनाइज वे में उन्होंने काम किया ओके। सो अब तो एक अब उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, अगर अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह में क्या योगदान रहा, इन्होंने
दिल्ली में जो विद्रोह चल रहा था उस टाइम पे उन्होंने यहाँ पे बहुत तरीके से अपना योगदान दिया, जैसे कि फूड ग्रेन्स जो कि जो यहाँ पे सिपाही थे दिल्ली में उनके पास काफ़ी शॉर्टेज में खाने की चीज़ें थी, तो उन्होंने यहाँ पे फूड ग्रेन सप्लाई किए और मनी के माध्यम से भी, पैसे के माध्यम से उन्होंने उनकी सहायता की। ऑलमोस्ट 45,000 रुपये भेजे अमाउंट, मतलब पैसे भेजे, वो अमाउंट ज़्यादा नहीं थी बट जितना वो भेज सकते थे उन्होंने पैसे भी भेजे, मनी, मैन पावर। अगर हम उसके अलावा देखते हैं तो हथियारों से भी उन्होंने उनकी सहायता की, दिल्ली की गन पाउडर, गन सप्लाई की उन्होंने फैक्ट्री बनाई। तो हालांकि बहुत छोटे स्केल पे उन्होंने जो काम किया और बहुत कम समय के लिए उनको एक शासन करने का टाइम मिला, अगर उन्होंने उस टाइम पे अपना एक पोटेंशियल दिखाया कि कितना एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, कि गन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश कर दी। अब गन फैक्ट्री उसकी याद आती है कम से कम, जो मैसूर के जो राजा थे टीपू सुल्तान और हैदर अली, उनकी याद आ जाती है। मगर हालांकि वो उनका जो स्केल था काफ़ी बड़ा था, कि मैसूर एक स्टेट बहुत बड़ा था उस टाइम पे, अगर देखते हैं 1799 और मतलब 1800 के आसपास देखते हैं तो तक आते आते एक बहुत बड़ा स्टेट था फिर मैसूर तो, मगर एक छोटे स्केल पे उन्होंने किया। मगर वो चीज़ें याद आ जाती हैं किस तरह से उन्होंने एज ए डिप्लोमेट काम किया। और अगर हम युद्धों की बात करें कि काफ़ी वीरतापूर्वक उन्होंने युद्ध में लड़ा है तो सब लोग हम जानते ही हैं वैसे, तो कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। तो कि उन्होंने जो किला था रेवाड़ी में, रामगढ़, रामपुर का जो किला था, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे एक तरह से डिफेंसिव पोजीशन ले रखी थी और अंग्रेजों को पता था कि ये इंसान अगर जिन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया है और दिल्ली में इतनी सहायता पहुंचा रहे हैं, जब तक इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा म्यूटिनी को कंट्रोल में लाना। तो फिर जनरल ब्रिगेडियर शावर को भेजा गया एक अक्टूबर 1857 में उस बहादुर शाह को कंट्रोल करने के लिए, जहाँ की जहाँ पे कि वो पटौदी है जो अभी है, वहाँ पे उनकी एक स्कर्मिश हुई, छोटी सी लड़ाई हुई, उसके बाद में बहादुर शाह को राव तुलाराम को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी सेना है, इनसे वैसे लड़ना, खास करके रामपुरा में रेवाड़ी में लड़ना ठीक नहीं है इनसे। और तो किस तरह से उनको समझ में आया, कितने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं अगर हम उनको देखते हैं, तो उन्हें समझ में आ गया कि अब यहाँ ये फोर्ट जो है रामपुरा का जो फोर्ट है रेवाड़ी में, ये मिट्टी का किला है, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन लेना, डिफेंसिव पोजीशन लेना, यहाँ पे अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करना सेफ नहीं होगा, तो उन्होंने उस पोजीशन को खाली कर दिया। रामपुरा जो उनका किला था उन्होंने छोड़ दिया उसको पहले ही। तो एक स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंस के पता चलते हैं किस तरह से वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक फेयर आइडिया भी था कि भैया यहाँ पे हम जीतने वाले हैं कि नहीं, क्या है हमारी पोजीशन, क्या हो सकती है यहाँ पे। तो उन्होंने उस किले को खाली कर दिया और नसीबपुर में जाकर के, नसीबपुर या नसीबपुर नारनौल में जाकर के उन्होंने पोजीशन ली वहां पर। तो जनरल ब्रिगेडियर शावर जो थे, ब्रिटिश जो कमांडर थे, जो कॉलम उन्होंने भेजा गया था यहाँ पे रेवाड़ी में, उन्हें रामपुरा पर कब्जा कर लिया, रेवाड़ी पे कब्जा कर लिया। मगर जैसे केसी यादव लिखते हैं, उन्होंने उनके हाथ घोंसला आया, मगर जो तो घोंसले रहने वाला पक्षी था वो तो उनके हाथ में नहीं आया। तो रेवाड़ी में उन्होंने खाली कर दिया, एक तो उनके स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट्स पता चलते हैं। उसके बाद में नवंबर में नारनौल में जो नसीबपुर नामक जगह थी, वहां पर एक तरह से निर्णायक लड़ाई हुई थी, इसको हम बोलते हैं नारनौल में, तो ये भी काफी फेमस है, वाइडली नोन है, और अगर हम इतिहास की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा हमें इसके बारे में पता चलता है। तो नसीबपुर में एक घमासान युद्ध हुआ और उसमें उन्होंने सिर्फ
अपनी जो सेना थी उसके साथ में और जो लोग थे उनको भी ऑर्गेनाइज किया, जैसे कुछ राजपूत से और कुछ रंगर्स, जाट, राजपूत, उन सबको ऑर्गेनाइज किया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो सेना है वो सिर्फ में सिर्फ यादव थे या उनको हम एक तरह से यादव और अहीर सेनानी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनकी सेना में सिर्फ अहीर नहीं थे और भी मुस्लिम्स भी थे और जो अदर कास्ट हैं उनके सोल्जर्स भी थे। और जैसे काफी मुस्लिम जो प्रिंसली स्टेट से जुड़े थे उन्होंने जो उनकी सहायता की थी उस टाइम पे, जैसे जो दादरी के राजा थे उन्होंने उनकी काफी सहायता की। और मगर जो नसीबपुर का जो बैटल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने काफी उनकी फोर्स को काफी हानि हुई, मगर स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे हैं। और केसी यादव जैसे लिखते हैं कि वो अगर क्योंकि जो नसीबपुर में बैटल हुआ उन्होंने ऑफेंसिव किया, उन्होंने आगे जाकर के हमला किया अंग्रेजों की फौज पर, अगर वो थोड़ा वेट करते शायद और तो शायद एक अच्छी पोजीशन में होते वो। और मगर युद्ध तो काफी घमासान हुआ और उसमें जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे जेराल्ड और गेराल्ड जैसे भी हम उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं वो मारे गए। सो उस ब्रिटिश सेना का काफी सारा डिमोरलाइजेशन हुआ। और एक चीज हमें जो ध्यान में रखनी चाहिए कि वो राव तुलाराम लड़ रहे हैं अंग्रेजों से, बट उनकी सेना में ऑलमोस्ट 4 से 5 हजार लोग हैं, तो काफी कम नंबर था अगर अंग्रेजों की सेना से हम कंपेयर करें, क्योंकि आर्म्स एंड एमिनेशन में बहुत ज्यादा सुपीरियर थी, उनके पास गोला बारूद ज्यादा था, लोग ज्यादा थे। और यहाँ पर भी उनकी सेना की हार हुई अंत तक, और मगर वो यहाँ से भी भागने में कामयाब हुए। ओके, तो एक जो राव तुलाराम थे वो कैप्चर नहीं हुए, वो यहाँ से भी भाग गए। ओके, एंड तो मगर भागने के बाद में उन्हें समझ में आ गया किस तरह से अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है, और यहाँ भी नहीं पकड़े गए। उन्होंने राजस्थान में चले गए वो, और वहां पे राजस्थान में जा करके जो और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको उन्होंने परसुएट किया, तो उनके परसुएसिव स्किल्स निकल के सामने आते हैं किस तरह से वो लोगों को वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए मना रहे हैं, उनको सहमत कर रहे हैं उनको। तो एक तरह से किस तरह से डिप्लोमेट्स थे, स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, स्टेट्समैन थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, क्या इतने छोटे टाइम में उन्होंने गन पाउडर वगैरह फैक्ट्री वगैरह सब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिर आप वो राजस्थान गए, उन्होंने जो वहाँ पर राजा थे वहाँ पे जयपुर के, बीकानेर के और कुछ जो अन्य जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मनाया कि आप लोग जो जार ऑफ रशिया है उसको आप लेटर लिखे अलेक्जेंडर टू को कि आप वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में भारतीयों की सहायता करें, तो जार को लेटर लिखे। अब और राव तुलाराम यहाँ से सहायता प्राप्त करने के लिए विदेश निकल पड़े। उन्होंने फिर वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने बाहर जाकर के अंग्रेजी रूल से छुटकारा पाने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। तो हमें उसकी याद आ जाती है इस टाइम पे कि रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस की याद आ जाती है किस तरह से वो, मगर कह सकते हैं कि ही वॉज अहेड ऑफ टाइम, और उनकी जो स्पिरिट थी लड़ने की या अंग्रेजों से लड़ने की वो एक तरह से अनपैरेलल थी कि भैया उसका मुकाबला नहीं किया सकता, वो सब कुछ गंवा करके भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहते तो वो उनको ऑफर मिला था, लॉर्ड शावर ने उनको बोला कि अगर आप हमारी बातें मान लेते हो तो आपको जो आपकी जागीर है वो हम उसको रिस्टोर कर देंगे या आपको कम से कम सम्मान के साथ में ट्रीट करेंगे, मगर उन्होंने गुलामी की जिंदगी को स्वीकार नहीं किया। सेल्फ रिस्पेक्ट और
और जो दूसरों का शासन था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया उन्होंने. ओके सो ही वॉज वेरी मच अ पार्ट ऑफ एट पावर विद द अदर रेवोल्यूशनरीज. जैसे कि अगर हम देखते हैं तो वो कहीं भी किसी इस तरह से रेवोल्यूशनरी से कम नहीं थे. और पैन इंडियन रिवोल्ट को रिप्रेजेंट करते थे. ही वाज कि एक तरह से ही वाज अ डाई हार्ट वॉरियर अनसंग हीरो. सिमिलरली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी वो रिप्रेजेंट करते थे कि उन्होंने किस प्रकार से जो बहादुर शाह थे जो दिल्ली में उनकी उन्हें सुप्रीम लीडर एक्सेप्ट किया और जिस तरह से उन्होंने बाहरी सहायता प्राप्त करने की कोशिश की. अब बाहरी सहायता क्योंकि देश छोड़कर के जाना अपने जागीर या जो भी अपना सब कुछ था उनका और अंग्रेजों के स्ट्रक्चर लेना तो बड़ी बात उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी. तो वो यहाँ से ईरान गए और कहा जाता है कि ईरान गए वहाँ से फिर काबुल गए और कहा जाता है कि रशिया भी वो गए और सेंट पीटर्सबर्ग संग्रहालय में उनके कुछ कुछ लेटर्स ली वहाँ पे भी हैं जो कि जो राजा जयपुर जोधपुर जो कुछ प्रिंसली स्टेट से राजस्थान के उन्होंने लिखे थे और जो अंग्रेजों के खिलाफ जा की सहायता प्राप्त करने के लिए. तो कुछ लेटर्स सेंट पीटर्सबर्ग आर्काइव में मिल जाएंगे उनके उनके भी कुछ लेटर्स हैं. और ही डाइड वेरी यंग एट द एज ऑफ 38. देखिए बहुत 1925 में बर्थ हुआ और 1963 में काबुल में उनकी मृत्यु हो गई. और 38 साल में उन्होंने इतना कुछ कर दिया और जिस तरह से उन्होंने बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया कि अब रशिया के पास गए. रशिया के क्यों गए रशिया के पास क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन को रशियन एक्सपेंशन का काफी ज्यादा खौफ था. ब्रिटिश और रशिया की राइवलरी चल रही थी. अगर हम अफगान युद्धों की बात करते हैं उनको याद करते हैं तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको देखते हैं तो अफगान युद्ध चल रहे थे उस टाइम पे 1838 वाला जो अफगान युद्ध है 1878 वाला है या तो शायद 1901 के आसपास का जो तीसरा अफगान युद्ध हुआ उसको देख ले. तो अंग्रेज चाहते थे कि अगेंस्ट द रशियन अफगानिस्तान को बफर स्टेट की तरह यूज किया जाए. तो उनको लगता था कि शायद क्योंकि अंग्रेजों से शायद सहायता मिल सकती है सॉरी रशियन से सहायता मिल सकती है तो रशिया के पास गए. और जब ब्रिटिशर्स के एनिमीज थे उनके पास गए उन्होंने एक प्रकार से उनसे सहायता लेने का प्रयास किया कि भाई शायद इनसे काम बन सकता है. और मगर क्योंकि ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम और उन्होंने अपना प्रयास किया और इसको कि हम आज तक याद करते हैं और इसको और ज़्यादा रिसर्च करने का प्रयास किया जाना चाहिए. और अगर हम आफ्टर मैथ की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिला है कि 2001 में एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टेज स्टैम्प जारी किया था और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं रावतुल्ला राम के नाम पे. मगर ऐसा रिसर्च फील्ड ये काफ़ी ज़्यादा अंडर रिसर्च है. और अगर हम आफ्टर मैथ की बात करते हैं तो उनकी जो जागीर थी वो पार्शली रिस्टोर कर दी गई उनके जो पुत्र थे राव युधिष्ठिर उनको 1877 में पार्शली रिस्टोर कर दिया गया. कुछ अब कितना दिया क्या है वो तो एक तरह से मगर कुछ कुल मिला के थोड़ा बहुत उनको एक तरह से रिस्टोर कर दिया गया कि तो एक तरह से एक अंडर रिसर्च एरिया है. इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जा सकता है प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ा जा सकता है. और कुछ कुछ अगर हम प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो उसमें अभीर कुल का इतिहास
एक पुस्तक है ओके अभीर कुल का इतिहास, ये मानसिंह जो उनके क्लोज एड थे काफी ज्यादा उन्होंने लिखी थी उस टाइम पे, अगर प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं तो अभीर कुल का इतिहास, उन्होंने किस तरह से उन्होंने 1857 में कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया उनके बारे में, एक जो उनकी जो कंटेम्प्रेरी थे उनके जो क्लोज एड थे उन्होंने लिखा है अभीर कुल का इतिहास, तो उसको एज ए प्राइमरी सोर्स यूज किया जा सकता है, या जो उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिशियल थे उनके स्टेटमेंट्स हैं, एक आर्मी कमांडर थे होडसन, उन्होंने उनके बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की है, और जहाँ तक सेकेंडरी वर्स की बात है तो केसी यादव जिन्हें उनके बारे में कुछ किताबें लिखी है तो वो भी पढ़ी जा सकती है, जैसे केसी यादव की एक पुस्तक है एनबीटी से पब्लिश है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ राव तुलाराम, और अहिरवाल का इतिहास एक दूसरी बुक है जो कि 1967 में पब्लिश हुई है केसी यादव की, एंड अनदर बुक आप लोग पढ़ सकते हैं मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर 1803 से लेकर 1866 मॉडर्न हरियाणा हिस्ट्री एंड कल्चर, ये इंग्लिश में, तो ये कुछ किताबें जिनपे की केसी यादव ने थोड़ा एक रिसर्च किया है, और एक किताब है अनिल यादव जी की 1857 राव तुलाराम में क्रांति दूत, या कुछ रिसर्च हुआ है, मगर जो ब्रॉडर थीम्स हैं ब्रॉडर आइडियाज हैं जैसे कि उनको किस तरह से पैन इंडियन रिव्यू की तरह से उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, या फिर दूसरे एस्पेक्ट्स को रिसर्च के व्यू से देखा जा सकता है कि दूसरे प्रिंसलेट सेट्स करते हैं क्या रिलेशन से उनके, या तो एज एन एब्यूसिव उनको देखा जा सकता है, और अगेन वो सब चीज़ें तो होती हैं कि प्राइमरी सोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने ज़्यादा अवेलेबल है नहीं है, वो तो होता है, बट स्टिल राव तुलाराम एज ए रिसर्च थीम इज अंडर एक्सप्लोर्ड, जो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है अभी, तो उसके विषय में यंग रिसर्चर्स थोड़ा सा जो आर्काइवल सोर्सेज उनको देख सकते हैं, सो बट यस दीज आर द मेन थिंग्स और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स राव तुलाराम जी के बारे में, मुझे जो फैसिनेट किए, मुझे जो लगा कि शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह से थे, कि शॉर्ट टाइम में उन्होंने किस तरह से एबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह शो किया, और जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो पूछे जाने चाहिए कि भाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में क्यों विद्रोह किया, और इसलिए मैं कह रहा था कि हाउ एंड वाई वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं हम लोगों को, ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू आर हैव एनी क्वेश्चन और सम ऑब्जर्वेशन कमेंट्स ऑल्सो, सो आप लोग यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट, राव तुलाराम इज वेरी फैसिनेटिंग, यस सोनू यादव जी, जी सर, सर एक मेरा क्वेश्चन है, जी सर मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ, सर श्योरली एकदम अच्छे से आ रही है, सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राव तुलाराम के बारे में आप जो बता रहे थे कि उनकी सेना या इस तरह का, मैंने अब तक इतिहास में कहीं पर भी अहिर रेजिमेंट या राव या यादव रेजिमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं सुना, तो आप बता सकते हो कि राव तुलाराम की कोई अपनी रेजिमेंट थी कि लोकल जनता ही उसके साथ लड़ाई लड़ती थी? देखिए मैंने जो सोर्स यूज किए पढ़ने के लिए वो केसी यादव जो मैंने अभी सोर्सेज बताए वो मैंने यूज किए, और सही बात है अहिर रेजिमेंट का नहीं सुना, एक तरह से उसका रीजन भी हो सकता है, उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है कि 1857 में शायद उन्होंने जो रिवोल्ट किया उसकी वजह से सेना में कितना अहिर्स को रिक्रूट किया गया है कितना नहीं किया गया, क्योंकि जो सेना की हम कंपोजिशन देखते हैं तो 1857 से पहले जो सेना में जो बंगाल का काफ़ी ज़्यादा सारे कुछ कुछ जो प्रोविंसेस थे उनका बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था,
और जिन प्रोविंसेस ने 1857 में रिवोल्ट किया उनका जो पार्टिसिपेशन था आर्मी में एक प्रोपोर्शनेटली कम हो गया 1857 के बाद में जिन्होंने एक रिवोल्ट किया, उस तरह से उसको देखा जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मैंने पढ़ा है उसमें एज सच जो लोकल पीपल थे उनको ही उन्होंने इकट्ठा किया, 4 से 5 हज़ार की उनकी आर्मी थी और उसमें सभी कास्ट एंड कम्युनिटीज के लोग थे उसमें, तो 4 से 5 हज़ार लोगों की आर्मी थी, अपनी आर्मी लोकल शायद जो आर्मी रही होगी लोकल लेवल पे वो थी, तो ऐसा ऑर्गेनाइज क्योंकि उतना समय उनको नहीं मिला और शायद उतने रिसोर्सेज भी नहीं रहे होंगे कि वो एक अपनी जो वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड आर्मी शायद खड़ी कर पाए। तो बट ये जो मैंने ऑब्जर्व किया जो केसी यादव के जो टेक्स्ट है उसमें ऑब्जर्व किया, और मगर हाँ इस पर भी एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है और रिसर्च व्यू से और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है कि इंग्लिश पॉलिसी किस तरह से आफ्टर मैथ जो 1857 था उसमें इस रीजन की तरफ उन्होंने किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की और क्यों की, क्योंकि ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है ना। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। इसमें सर मैं एक छोटी सी बात ऐड करना, जैसे क्योंकि जो जितने भी कि मतलब रियासतें होती थी उनकी सेनाएं होती थी छोटी मोटी जितनी भी थी, और इसके साथ साथ जैसे जो कास्ट बेस्ड जो रेजिमेंट्स बनी है वो तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ही बनती है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। और कोई साथी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहे तो। बिल्कुल सही बात है, उस तरह से रिसर्च किया जा सकता है कि जो बाद में थ्योरीज आती हैं वो एक मैन्युफैक्चर्ड थ्योरीज हैं, एक तरह से लोगों को कास्ट बेस डिवाइड करने के लिए मार्शल रेस की थ्योरी है या उस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको जस्टिफाई करने के लिए कि अवध की रिवोल्ट के बाद में यूपी का जो रिप्रेजेंटेशन था आर्मी में कम हो गया, तो उस तरह से क्योंकि अब वो क्या कह सकते हैं उसके मार्शल रेस कहेंगे या कास्ट बेस्ड जो आर्मी थी वो एक तरह से लोगों को डिवाइड करने के लिए कि इस प्रोविंस में अगर रिवोल्ट होता है तो दूसरे प्रोविंस से लाकर के दूसरी कास्ट के लोगों को लाकर के उनको शायद सप्रेस किया जा सकता है उस रिवोल्ट को, तो एक वो भी एस्पेक्ट है। और बिल्कुल सर, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सोनू सर नमस्कार। हेलो जी सर। सोनू सर नमस्कार। सर दलजीत कुमार गवर्नमेंट कॉलेज इसराना। जी सर। आपका लेक्चर वास्तव में बड़ा नॉलेजेबल है और हरियाणा के इतिहास की बात करें तो वास्तव में एक गौरवशाली इतिहास हरियाणा का रहा है। मैं एक छोटी बात अगर आपको पता हो तो सर बताना प्लीज, बावल रियासत जो है राव तुलाराम जी के अंतर्गत थी, उसके बाद बावल को जो है नाभा के अंदर क्योंकि वहां किला है अभी जो उसके अंदर पुलिस थाना और कुछ जो है अलग अलग विभागों को उसको दे रखा है, ये किला क्या अगर कुछ आइडिया हो क्योंकि आपने इसके ऊपर काम किया होगा कि ये कितना जो है किसके द्वारा बनाया गया था, और अगर मिल जाए तो सर प्लीज संभव हो तो। नहीं सर आपने, क्योंकि 1857 की क्रांति में इस किले का रोल रहा है। नहीं सर मैं एक तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, मेरा कोई इतना ज़्यादा काम भी नहीं रहा है, बहुत बड़ा काम नहीं रहा है, और अगर होता भी एक ऐसे रिसर्चर थोड़ा सा लिमिटेशन होती है तो कुछ चीज़ें नहीं पता होती। यस 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 बिल्कुल, वो मुझे नहीं पता इसके बारे में। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सर। तो देयरफॉर आई एम सेइंग कि आई एम नो एक्सपर्ट ऑन दिस, बट जो मुझे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट लगे उनके बारे में। नहीं वास्तव में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी जो है, और वास्तव में डॉक्टर मरदीप जी आप बधाई के पात्र हैं कि समय समय पर इतिहास विषय के ऊपर किस प्रकार से आप लेक्चर नेशनल स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ये वास्तव में जो बहुत ही कारगर हैं और इतिहास के विद्यार्थी और आम जनता को इसकी नॉलेज मिलती है, और रिसोर्स पर्सन आप बहुत बेटर लेके आते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। काम तो आगे रिसर्चर्स को ही बढ़ा सकते हैं।
थैंक यू दिलजीत जी। उसमें ये ना, जैसे मैं सोनू जी को थोड़ा बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिलजीत भी कभी वो काम करते रहते हैं, तो अभी ये रिसेंटली बाउल गए थे तो वहां पर उन्होंने देखा किला है, और उस किले के इतिहास के बारे में, आप भी उधर गुड़गांव के साइड के रहने वाले हो, तो लगा कि चलो शायद आपके पास कुछ आंसर मिल जाए। तो आपका कुछ स्टूडेंट आ गए कि उस एरिया में कभी काम करें तो थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज मिले तो मुझे भी शेयर करना सर। नहीं सर, श्योरली। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जो बहुत सारे जो किले हैं, गोकुलगढ़ का किला और ये रेवाड़ी में कुछ किले हैं, उनके बारे में बहुत कम तरह से लिखा गया, और जो पैन इंडियन हिस्ट्री थी उसको लिंक करके शायद अगर हम उसको पढ़ने की कोशिश करें तो फ्रूटफुल होगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही, अभी सारे लर्निंग स्टेज में है तो धीरे धीरे सीखेंगे सारी चीजें जी, तो इसलिए रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट। अमरदीप जी। हाँ जी, करमवीर जी। नमस्कार सभी साथियों को, बहुत स्वागत सर। नमस्कार करमवीर जी, बहुत वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सोनू एंड द होस्ट कॉलेज, रोहड़ कॉलेज और ऑल द स्टाफ मेंबर्स। मैं चूंकि शुरू से जुड़ा हुआ था तो दो तीन चीजें जो उठी हैं उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो इसमें मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ। बिल्कुल सर, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही सर। जी जी जी, तो इसमें जैसा अजय जी ने पूछा था एक प्रश्न, तो आपने जो बताया बिल्कुल, ये जो रेजिमेंट का कंसेप्ट है ये 1857 की देन है, विशेषकर जो अंग्रेजों ने जब इस पे रिसर्च किया कि भाई ये मसला क्या है और इस तरह से अगर फिर रिवोल्ट होता है तो इसको किस तरह से डिवाइड करके कमजोर किया जाए, तो आप देखेंगे उसके बाद 1860s के डिकेड, 70s के डिकेड में, इवन 1880 के आसपास तक कुछ रेजिमेंट्स जाति और धर्म के नाम पे बनाई गई, और यहां तक नहीं बल्कि गोरखा और उन सब लोगों को भी शामिल किया गया। तो अहिर रेजिमेंट तो राव तुलाराम को, चूंकि जो देशी रियासतों के जो शासक होते थे वो तो अपनी सेना को रेजिमेंट कहते ही नहीं थे, और आमतौर पर देशी रियासतों की जो प्रिंसली स्टेट्स की जो सेना होती थी वो बड़ी कंपोजिट एक तरह से नेचर की होती थी, उसमें ऑल कम्युनिटीज मतलब सब शामिल होते थे, क्योंकि वो रियासत के जो क्षेत्र में जितने भी लोग होते थे वो लगभग उसमें बाय एंड लार्ज वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते थे। दूसरा जो दलजीत जी का प्रश्न था, उसी तरह का एक चीज आपको मोहिंद्रगढ़ में भी किला दिखाई देगा। 1857 की क्रांति के बाद जैसा डॉक्टर सोनू जी ने बताया कि किस इलाके की जनता को सजा देने के लिए अंग्रेजों ने जो रामपुरा रियासत थी जिसमें लगभग 500 गांव 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम ने जोड़ लिए थे, शाजापुर बहरोड तक के इलाके थे, अलवर का एक हिस्सा था, अटेली महेंद्रगढ़ नारनौल कोशली बावल ये सब इलाका उन्होंने जोड़ा था अपने साथ। तो चूंकि राव तुलाराम जी अपनी स्ट्रेटेजी के लिहाज से बाहर चले गए थे और जो उनके छोटे भाई थे राव गोपाल देव, वो शहादत हो गई थी उनकी 16 नवंबर जहां तक मुझे ध्यान है 16 नवंबर 1857 को जो नसीबपुर का युद्ध हुआ था, राव गोपाल देव उसमें शहादत हो गई थी उनकी। बाद में जब ये सारा दबा दिया गया उत्तर भारत का, तो इस रियासत को बहुत छोटा करके केवल रेवाड़ी के आस पास की कुछ गांवों की जमीन जो थी वो बाद में दे दी गई राव तुलाराम के वंशज को, और वो भी बहुत सीमित से अधिकार वहां दिए गए थे। और ये जो इलाका था ये इनाम स्वरूप नाभा और पटियाला के राजा को बांट दिया गया, राव तुलाराम के अधीन 400-500 गांव थे, इनको कुछ हिस्सा नाभा के रियासत को दे दिया गया और कुछ पटियाला के रियासत को। तो विशेषकर मैं जहां से हूँ महेंद्रगढ़ जिले से, ये जो इलाका था महेंद्रगढ़ का, अटेली का, नांगल चौधरी का और बावल तक का जो इलाका था, बावल नाभा के अंडर आता था ये सारा इलाका, और महेंद्रगढ़ के आसपास का कनीना और ये जो कोसली के आसपास का इलाका था ये पटियाला के राजा को दे दिया गया था। और पटियाला के राजा का बेटा जो महिंदर था, ये पंजाबी टोन भी इसमें आ रहा है, महिंदर हम तो महिंदर कह देते हैं लेकिन जब हम रिकॉर्ड देखेंगे तो महिंदर शब्द है MOHINDER, तो उसी के नाम से यहाँ पे फिर एक किला बनाया गया और उसको महिंद्रगढ़, इससे पहले महिंद्रगढ़ का जो नाम था वो कानोड था, कानोड ब्राह्मण वंश के लोगों ने ये बसाया था। तो आपको जब आर्काइव में हम डॉक्यूमेंट देखेंगे विशेषकर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, तो 1857 से पहले महिंद्रगढ़ का जो नाम है ये आपको कानोड दिखाई देगा, और उससे पहले की प्राचीन मुगल कालीन आपको पर्शियन में जो
कुछ आपको आर्काइव में जो चीजें हैं वहां आपको कानोड ही दिखाई देगा। तो ये सारा इलाका फिर बाद में पटियाला के राजा के अंतर्गत आ गया। तो और ये पहले राव तुलाराम के प्रभाव से पहले ये मराठों के 1803 के बाद ये जो राजस्थान से लगता हुआ जो सिक्कर के साथ लगता हुआ जो हमारा इलाका है नाला चौधरी सतनाली और सहारू के बीच से जो बेल्ट थी ये सारी आप देखोगे कि उसमें मराठों के प्रभाव में थी। अगर आप महेंद्रगढ़ कभी आपका विजिट हो तो महेंद्रगढ़ के किले के जस्ट साथ एक जो कच्चे किले का शायद दरवाजा बना हुआ था वो दरवाजा मराठों के समय का बना हुआ है। तो इस तरीके से ये सीन रहा। और बाद में चल के जो 1927 में जो प्रिंसली स्टेट्स को लेके जवाहरलाल नेहरू ने जब यूनाइट किया और जो प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुआ तो आपको बाकायदा रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि नारनौल का हिस्सा था तो वो वहां पंचकुला में है उनके कुछ फाइलें और कुछ फाइलें उनकी नेशनल आर्काइव दिल्ली भी है। उसमें फिर प्रिंसली स्टेट्स के अंतर्गत यहाँ पे कुछ देशी रियासतों का प्रजामंडल आंदोलन चला विशेषकर 1942 के बाद का जो घटनाक्रम है तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मांडी के राव माधो सिंह के बारे में, रेवाड़ी के जो है ना लोगों के बारे में, कोसली के अंदर यहाँ लोगों ने जो एक तरह से रिजेंटमेंट दिखाया था और गांधी जी के आंदोलनों में लगातार यहाँ के लोगों की सक्रिय भागीदारी रही है। तो वो पूरा बिल्कुल सोनू जी ने सही कहा है कि इस पर बहुत काम किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा इसमें जहां तक मुझे बावल का जो किला दलजीत जी ने जिक्र किया तो वो निश्चित रूप से किला है और मैंने वहां काम भी किया है। वीडियो में रहा था कुछ दिन जब मैं एचसीएस में था, वहां कुछ ऑफिस चल रहे हैं अब भी। तो वो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है वो राजपूत जो मराठों के पैरेलल जो थे और मराठों का जो प्रभाव था उस दौरान संभवतः वो किला बनाया गया था जो बाद में नाभा के शासकों ने वहां पे तहसील के रूप में यूज किया। और बावल के अंदर और अटेली के अंदर कचहरी लगती थी नाभा के राजा की, ये मुझे डॉक्यूमेंट में एक जगह दिखाई दिया है। तो इस पे काफी काम किया जा सकता है। काफी अच्छा लेक्चर रहा, दलजीत जी ने काफी अच्छी जानकारी दी और सोनू जी ने काफी बढ़िया से बताया। बिरहोड़ कॉलेज का, अमरदीप जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद करमवीर जी, आपने एक नई दिशा दी इस कार्यक्रम को। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हुए हमारे जो सहायक प्रोफेसर हैं श्री सुविन कुमार जी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का वोट ऑफ थैंक्स करें। ठीक है सर, धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सोनू यादव जी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि अमरदीप सर ने बताया था कि इन्होंने कार्यक्रम के बारे में कल ही इनको सूचित किया था, तो सर आपने बहुत ही कम नोटिस पर हमारा आमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वार्तालाप के दौरान बताया कि 1857 की क्रांति में राव तुलाराम का एक महत्वपूर्ण योगदान था, खासकर यदि हम बात करें तो अहिरवाल के क्षेत्र में। और आपने इसके साथ ही आपने जो नसीबपुर का जो युद्ध हुआ था उसका बड़ा ही जीवंत वर्णन हमारे सामने किया है। और सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारा इसी प्रकार से मार्गदर्शन करते रहेंगे। और सर इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। और मैंने जब अपने MA दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी तो सेकेंड ईयर में सर मैं आपका विद्यार्थी। सुविन सर की आवाज चले गई। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई, अब आ रही। सर आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सोनू यादव जी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा अमरदीप सर ने बताया कि इन्होंने कार्यक्रम के बारे में कल ही आपको सूचित किया था, तो आपने इतने नोटिस पर ही सर हमारा आमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप भविष्य में हमारा
की योगदान इसके जो युद्ध हुआ था उसका आपने बड़ा ही वर्णन हमारे सामने किया है। सर आपके विद्यार्थी होने के मैं बताना चाहूंगा कि मुझे भी आप अवार्ड मिला सेकंड ईयर 2015-16 में। सर मैं आपका विद्यार्थी रहा, आपने शब्दों में इतिहास व्याख्या की है और भविष्य में भी आप हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे और पूरे इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय बिरोड की तरफ से आपका हार्दिक आपका धन्यवाद करते हैं। सर थैंक यू सो मच। सर मैं भी डॉक्टर सोनू जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि धन्यवाद करता हूं कि आपने और इसके साथ साथ मैं प्रोफेसर रंजीत जी का और साहिल सबरवाल जी का और हमारे कॉलेज के जो टीचर उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। थैंक यू ऑल सर। छोड़ सकते हैं।